रेडी रखना। चार्ट्स पे क्या दमदार लग रहा है ये मानस बताएंगे आपको। मानस, चार्ट्स का चमत्कार आपके दारोमदार पे। और अब वो मिड कैप फंडा अग्रवाल साहब से रिक्वेस्ट है भाई। अग्रवाल साहब, आने से पहले आपको पता होता होगा अपन चार पांच बार मांगेंगे तो आप चार पांच लेके आते हो, ऐसा होता है क्या? सर अब मांग लीजिए चार पांच, देखते हैं दे चलता है कहाँ नहीं कहाँ तक। मांगो तो सही, थोड़ी देर से मांगेंगे अच्छा अच्छा मुझे पता नहीं कौन कौन से स्टॉक आप लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं समय तक, लेकिन ऑटो स्टॉक्स, अग्रवाल साहब आपके पास आता हूँ अब। अच्छा, मार्केट बिग बॉयस है कि तब भी मुझे सवाल उठाना, ये ऑटो एज अ स्पेस में आप देखेंगे वो जो टू व्हीलर स्पेस है उसमें धीरे धीरे ट्रैक्शन वापस आ रहा है। कल टीवीएस मोटर्स आउट परफॉर्म कर रहा था, आज कोई बजाज ऑटो वगैरह स्क्रीन पर आएंगे, बढ़िया आउट इसमें बात हो चुकी है। आप पर फोर व्हीलर पर बात कर सकते हो। नहीं, उसमें मजा नहीं आया, उसमें मजा गया। आप पूछो अगला सवाल। चलिए, चार का चौका की तरफ उतर जाते हैं, तब तक आशीष भी सेटल हो जाएंगे। आशीष को सारे स्टॉक्स की लिस्ट भी मैं बताना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए, सस्ता ऑप्शन सोनी बताइए क्या ट्रेड रहेगा? हर्षिता जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन ओरो फार्मा 1540 कॉल ऑप्शन अगस्त सीरीज की बाय करने की सलाह रहेगी, 17 रुपए में 17 रुपीज। यहाँ पे स्टॉपलेस प्लेस कर सकते हैं 12 रुपए का। पहला टारगेट रहेगा 26 का, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 30 का दूसरा टारगेट। काफी अग्रेसिव फ्रेश लॉन्ग्स आज बन रहे हैं ओरो फार्मा में, 5% के करीब लॉन्ग बिल्टअप पोजिशंस बन रहे हैं और चार्ट्स पे भी एक फ्रेश ब्रेकआउट नजर आ रहा है। सो पॉजिटिव व्यू है ओरो फार्मा में। यहाँ पे मुझे लगता है कि स्टॉक टुवर्ड्स 1570 एक बार टेस्ट कर सकता है। औरबिंदो फार्मा का 1540 का कॉल, सोनी जी कह रही है खरीद लीजिए 12 के SL के साथ। FNO सुपरस्टार सतपुते साहब, पता नहीं समय मिल पाया नहीं मिल पाया, लेकिन ढूंढा क्या आपने बढ़िया सा? हाँ हाँ, मिला मिला, बहुत सारे मिलते रहते। तो आप लोग वो दिन चलेगा, आप लोग पहले हाथ उठाते थे तो अपन टीम बताती थी कि आपने हाथ उठाया, एक बढ़िया सा पिक आया। आजकल आप लोग उठाते नहीं हो? नहीं नहीं आशीष जी, आज का दिन हाथ उठाने का नहीं है। आज का दिन नहीं है, लेकिन अदरवाइज मैं देखता नहीं हूँ, एक्साइटमेंट हाथ उठाया, सबने पिक्स दी बढ़िया बढ़िया, तो पता चलता रहता किसके पास जाना है। नहीं नहीं आशीष जी, हम देते रहते हैं। अब 9:15 बजे आप ब्रेकफास्ट पे चले जाते हो ना, तो पोल खोलते रहता है। FNO सुपरस्टार आशीष जी, देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, मुझे लगता है कि सुबह भी हमारे गेस्ट ने दिया था, हमारे चैनल पे भी डिस्कस हुआ था, और सुबह के बाद यहाँ पे एक अच्छा डिप मिला है। तो आशीष जी, मुझे लगता है ये जो 4800-4810 है, ये इसका एक्युमुलेशन, ये आप कह सकते हैं बाय जोन है, तो बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 4800, छोटा स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है कि यहाँ से फिर से एक स्ट्रेंथ दिखाएगा। इसका जो पहला रेजिस्टेंस आएगा वो रहेगा 4895 का, अगर वो निकल जाए तो फिर मुझे लगता है ये कम से कम 5000 की तरफ भागेगा। सो प्रोबेबली आप थोड़ा सा इसे पोजिशनल की तरफ से देखें, तो आज नहीं तो अगले हफ्ते आई थिंक HAL लुक्स गुड टू बी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स सतपुते साहब का आज का FNO सुपरस्टार मानस, और उनके पास चला जाए चार्ट का चमत्कार। मानस, कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है? I think भारतीय एयरटेल पे ध्यान देना चाहिए। भारतीय एयरटेल में करीब करीब 20 रुपए का अपमूव करंट लेवल से देखने को मिल सकता है। कल भी हमने काफी बढ़िया मूव देखा था, कल हालांकि हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि स्टॉक तैयार है पिछले हाईस को टेस्ट करने के लिए। तो 1525 के टारगेट के लिए भारतीय एयरटेल में खरीदारी करेंगे। 1493 का आपको स्टॉप लॉस लगा रहा है भारतीय एयरटेल में। अगर चाहे तो 1500 वाला कॉल ऑप्शन जो 15 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 11 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी किया सकती है और इस ऑप्शन में 23 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। चाहे तो 1500 का कॉल भी खरीद ले, लेकिन इस स्टॉक में दम है भारतीय एयरटेल। अग्रवाल साहब, मिड कैप फंडामेंटल आइडिया कौन सा लेकर आए? आशीष जी, मिड कैप के हिसाब से पहले भी कई बार इस कंपनी को डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार दोबारा करना चाहूंगा क्योंकि वापस से अच्छी लग रही है, ऊपर से अच्छा करेक्ट कर दिया है। वेस्ट कोस्ट पेपर मिल, अगर आप देखो तो भारत की एक बहुत पुरानी और बहुत बड़ी कंपनी है प्रिंटिंग राइटिंग पेपर में, 3,20,000 टन की इनके खुद की MTPE की इनकी खुद की कैपेसिटी है, और आंध्रा पेपर जिसमें इन्होंने 72% स्टेक ले लिया है, 1600 करोड़ का उसकी वैल्यूएशन आ रही है आज की डेट में उस शेयर्स की।
उसके 2,41,000 की इनकी कैपेसिटी है, तो कुल कैपेसिटी एक तरीके से कहा जाए तो 5,61,000 के आसपास हो गई है। यूनिप्लाई इन्होंने एनसीएलटी से कुछ दिन पहले ली थी, 78 मेगावाट का इनका खुद का कैप्टिव पावर है, प्लांटेशन खुद का है, इसलिए रॉ मेटेरियल की कोई दिक्कत नहीं है, पूरी इंटीग्रेटेड पल्प की इनकी कैपेसिटी है पेपर और पल्प की। और मुझे लगता है कि ऑप्टिकल फाइबर का जो इनका छोटा सा डिविजन था उसको भी ये बड़े कर रहे हैं। लो डेट इन्होंने बहुत अच्छा खासा कम कर लिया है, पिछले कई क्वार्टर से नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, यहाँ कम से कम 800 के टारगेट आने वाले एक साल में हो सकते हैं, यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। 800 के लक्ष्य के लिए वेस्ट कोस्ट पेपर इन लेवल्स पे पसंद आता है, फंडामेंटल पिक है, इन लेवल्स पे गिरावट पे एक्युमुलेट करिए उतना और अच्छा रिवॉर्ड होता चला जाएगा। खैर चार का चौका का क्विकली रैप अप कर रहा हूं, आज शुरुआत हुई थी सस्ता ऑप्शंस की, सोनी जी ने दिया था आपको अरविंदो फार्मा 1540 का कॉल, जिसमें अपन 12 के स्टॉप लॉस के साथ खड़े हुए हैं। एफएनओ सुपरस्टार सतपुते साहब की पसंदीदा बेट थी आज की एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 4800 का स्टॉप है, इवेंचुअली 5000 तक के लक्ष्य, तो बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड के समीकरण यहाँ पे बैठते हैं। वैसे डिफेंस स्टॉक रडार पे रहेंगे, मोदी जी के बहुत अच्छे से विजुअल्स आ रहे हैं ज़ेलेंस्की साहब से कीव में मुलाकात के, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब भी इस वीकेंड US में अपने डिफेंस काउंटर पार्ट से मिल रहे होंगे, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है US के। रखिए भाई डिफेंस स्टॉक्स और खास तौर पे HAL को रडार पे। चार्ट का चमत्कार में मानस ने जो चुना है स्टॉक वो आपकी स्क्रीन्स पर आएगा, भारतीय एयरटेल चाहे तो इसका कॉल लें, एल्स 1493 के स्टॉक के साथ 1525 के लक्ष्य यहां पे भी शायद नजर आए, और मिड कैप फंडा में अभी अभी राजेश जी ने बताया क्यों उनको वेस्ट कोस्ट पसंद आ रहा है, ये आज निकल पड़ा है, अब जब बोला था तब भी तेज था, अब तो 4% प्लस का उछाल है, हमारे टारगेट्स हैं 800 तक के यहां पे। और अब